मालेगांव शहर वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, और मेरी ख़ानदान की तरफ से और शेख रफी साहब की तरफ से, शेख आसिफ साहब की तरफ से, और हमारे जो भी राष्ट्रवादी के ग्रुप के हैं जितने भी, उनकी तरफ से सबको ईद मुबारक हो। और भाइयों, मेरा ये बोलना है कि हाईवे पर जहाँ पे भी आप लोग सफ़र करने जा रहे हैं, आराम से टू व्हीलर चलाए और अपना ख्याल रखते हुए ज़्यादा कहीं शोर शराबा मत करो। इतना ही बोलता हूँ मेरे तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में आज राष्ट्रवादी भवन पर ईद मिलन प्रोग्राम रखा गया था। हमारे परिवार की, हमारी पार्टी की रिवायत रही है कि हर साल बासी के दिन हम लोग ईद के दूसरे दिन ईद मिलन प्रोग्राम रखते हैं, ताकि हमारी पार्टी के जिम्मेदारान, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे हार्ड कार्यकर्ता, वर्कर और शहर की आवाम, नौजवान, बुज़ुर्ग, ये तमाम ही लोगों को हम याद करते हैं इस खुशी के मौके के ऊपर। और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि आज बड़ी तादाद के अंदर हमारे पार्टी के जिम्मेदारान और शहर की आवाम यहाँ पर आई। मैं मेरी जानिब से, शेख रशीद साहब की जानिब से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही अहदेदारान की जानिब से मैं आए हुए तमाम ही मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। और आपके YouTube चैनल के ज़रिए मैं एक मैसेज, एक अपील करना चाहता हूँ शहर के ख़ास तौर पर नौजवानों से, शहर की आवाम से, कि महाराष्ट्र के जो हालात है वो ठीक नहीं है। मालेगांव शहर के नौजवान छुट्टियों में दूसरे शहर जाते हैं, देहातों में जाते हैं, कोई डैम पे जाता है, कोई गार्डन घूमने जाता है, कई पहाड़ों पर जाते हैं, दूसरे शहर की तरफ जाकर घूमना फिरना करते हैं, तफरी करते हैं। मैं अपील करता हूं कि शहर में रहकर इस साल ईद बनाएं। शहर के बाहर भी हालात ठीक नहीं है और महाराष्ट्र में भी हालात ठीक नहीं है। फिरका परस्त ताकतें ये कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान फसाद हो जाए और उसका फ़ायदा उठाकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम की कोशिश की जा रही है। तो शहर की आवाम, ख़ास तौर पर मुसलमान, चाहे मालेगांव या मालेगांव के बाहर हो, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों को बहुत एहतियात से, बहुत सावधान रहने की आज वक्त ज़रूरत है और पुरअमन तरीके से हमको रहना है इस महाराष्ट्र में, इस मुल्क के अंदर हमको पुरअमन तरीके से रहना है। फिरका परस्त ताकतें जो हावी होने की कोशिश कर रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार महाराष्ट्र की लोकशाही आघाड़ी की सरकार है, उद्धव जी ठाकरे साहब की क़यादत में यह सरकार उन फिरका परस्तों को ज़रूर निपट लेगी, ज़रूर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। और कानूनी कार्रवाई लोकशाही आघाड़ी सरकार, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये कर रहे हैं, तो हम लोगों को पुरअमन तरीके से रहना है, सरकार इनको निपट लेगी। मैं यही अपील आज के मौके पर, इस मौके से आप लोगों के ज़रिए शहर के आवाम तक, नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूं। फिर एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ईद मिलन प्रोग्राम कामयाब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। मैं मालेगांव शहर को मेरी फैमिली, मेरे दोस्तों की तरफ से ईद की तमाम मुबारकबाद देता हूँ, ईद की तमाम खुशियाँ मुबारक हो।
और मालेगांव शहर के लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि मोटरसाइकिल पे तीन तीन चार चार लोग हाईवे पे ना जाए, हादसात होते हैं इससे, और हादसात होने के बाद में बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ते हैं, यहाँ से धुलिया सुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली को खानदान को तकलीफ होती। अल्लाह ना करे ये सब नौबत आए, हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि ईद ईद पूरा अच्छे अच्छे तरीके से निकले। और हमारे भाइयों से मालेगांव शहर के लोगों से मैं ये बार बार अपील करता हूँ कि मोटरसाइकिल पे तीन तीन चार चार लोग ना जाए। सबसे पहली बात तो हाईवे पे जाए नहीं, जो भी अपना खाना पीना है अपने गांव में भी होटल है वहाँ कर ले, हाईवे पे ना जाए और अपनी फैमिली को तकलीफ ना दे। और आज हमने ईद की खुशी में ईद मिलन का प्रोग्राम रखे है, एक तारा बिल्डिंग के पास में, जाकिर डॉक्टर के हॉस्पिटल के पास में हमने ईद मिलन का प्रोग्राम रखे है। हर साल हम छोटा मोटा ईद मिलन का प्रोग्राम रखते कि हम सब वार्ड के लोग एक जगह पे जमा हो जाए और हमारा सब मिलना जुलना हो जाए और हम एक दूसरे की खुशियाँ बांटे, इसके लिए ये ईद मिलन का प्रोग्राम रखें।